जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर आरपीएफ की भर्ती कब आने वाली है, इसकी जो एज है वो क्या रहने वाली है। आप सभी को बता दूं आरपीएफ कॉन्स्टेबल की जो भर्ती है ये 10th पास पे आती है, तो जितने भी बच्चे 10th पास होते हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही इसका फायदा क्या है, इसमें एक तो एज क्राइटेरिया ज्यादा मिल जाता है, नहीं 18 से 25 साल मिल जाता है, 18 से 25 साल एज क्राइटेरिया मिल जाता है। तो जो बच्चे ओवर एज हो जाते हैं एसएससी जीडी से उनको फायदा इससे हो जाता है, इसीलिए बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि सर आरपीएफ कॉन्स्टेबल की भर्ती कब आ रही है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ 2022 लिखा हुआ है, वैसे वैकेंसी 2019 की है, जो कि 2019 में नहीं आई, 20 में नहीं आई, 21 में नहीं आई और अभी चल रहा है 2022। इस समय इसकी क्या स्थिति है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आप सभी को पता है 10th पास ये वैकेंसी। साथ में इसमें क्या है कि हाइट में थोड़ा सा अच्छी छूट है, इसीलिए जिन बच्चों की हाइट 165 सेमी है वो भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी भी ये हाइट है तो आप भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिन बच्चों की हाइट कम है वो भी आरपीएफ कॉन्स्टेबल से उम्मीद लगाए बैठे। अब ये वैकेंसी पहले तो बता दूं कितने पोस्ट की रहने वाली है। वैकेंसी जब भी आएगी 9000 से ऊपर पोस्ट की ये वैकेंसी आएगी, ठीक है। साथ में इसके एसआई की पोस्ट भी आएगी, कॉन्स्टेबल यानी सीटीजीडी और साथ में एसआई की पोस्ट भी आएगी, दोनों मिलाकर 11000 के आसपास पदों की वैकेंसी रहने वाली है। अब जो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर ये वैकेंसी आएगी कब, उसके बारे में बता दूं लाडलो कि वैकेंसी की स्थिति अभी प्रेजेंट टाइम में ये है कि रेलवे अपने बोर्ड की जितने भी पुरानी वैकेंसी है उन सभी को लगातार कराता जा रहा है। तो हो सकता है कि 2022 के अंदर अंदर ही आपको इसकी नोटिफिकेशन या अपडेट रेलवे बोर्ड की तरफ से देखने को मिल जाए। अब महीना तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये पूरी उम्मीद है कि 2022 के अंदर अंदर इस वैकेंसी की घोषणा हो जाएगी। हो सकता है इसके फॉर्म भी भरे जाए, ये 100% स्थिति है अभी की। जब ये वैकेंसी आएगी लगभग 11000 पोस्ट की ये वैकेंसी रहने वाली है। लाड जय हिंद जय भारत।